और तीन बंद मिला के 73 लाख पानी जमा होता है उसमें। 73 लाख लीटर। हाँ अच्छा। और वो दोनों तरफ परकुलेट होता है और वो जो पानी जमा होता है हम लिफ्ट नहीं करते। ओके। तो ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे। अभी ये जो हमारे लेफ्ट का एरिया है ये सब नारियल और नारियल के दोस्तों का है। नारियल एंड फ्रेंड्स। और उसका जो है ये पूरा नेचुरल है। okay. ये नेचुरल फार्मिंग का हो गया 1.5 एकड़। ओके। इसमें नारियल है, अरेका नट है, ब्लैक पेपर है, नटमेग है, दालचीनी, सिनेमन वो है, कॉफ़ी है, कोको है, रोज़ एप्पल के टाइप्स है, पाइन एप्पल है, हल्दी है। और ये नीचे कवरिंग जो है ग्राउंड पर वो लॉन्गी पेपर है। और यहाँ पे जो डिकम्पोस्टिंग है उसके पार्ट जो नीचे गिरते हैं वहीं पे डिकम्पोस्ट होता है। और यहाँ पे हमने स्प्रिंकलर से पानी देते हैं तो उसके वजह से कंपोस्टिंग की मेथड पूरे साल भर चालू रहती है और खोदने की ज़रूरत नहीं होती है। तो नारियल की प्रैक्टिस है, खोदो, रिंग बनाओ, बारिश में बुझा दो, फिर से खोदो। तो यहाँ पे ये प्लॉट में हमने 97 से खोदा नहीं है, नो टिलिंग। और वहाँ पे नारियल खाने के बाद नारियल के छिलके भी वहीं जाते हैं। हम सिर्फ जितना लगाना है उतने के लिए एक छोटा सा खड्डा करेंगे और लगा लेंगे। नमस्ते, मेरा नाम राजेंद्र श्री कृष्ण भट्ट है। मैं महाराष्ट्र के ठाणे डिस्ट्रिक्ट में अंबरनाथ तहसील में बेंशेर करके गांव पे वहाँ पे मैं खेती कर रहा हूँ 1990 से। उसके पहले मैं कुदरत के प्रति, निसर्ग का अच्छा निसर्ग देखना माउंटेनर था और पूरे हिंदुस्तान घूमता था और काफ़ी दिलचस्पी थी, आज भी है लेकिन उस समय और ज़्यादा थी। और एक समझो तितली है तो तितली के लिए हम फ़ोटो निकालने को कहाँ कहाँ घूमते थे। और उस वक्त मेरे चाचा मुझे पूछते थे, ये तो क्या कर रहा है, क्यों फ़ोटो निकाल रहा है, तुझे क्या मिल रहा है? तो बस मज़ा आ रहा है और रिकॉर्ड करके रखना है। तो फिर ये तेरे लिए कब बनेगा? तो मैं समझा नहीं, ये तू कब वहाँ पे उसके लिए कुछ बनाएगा क्या? तो देखेंगे कभी। तो देख, घूमते घूमते हम स्कूल के बच्चों को भी सिखाने को लेके जाते थे जंगल में, जंगल कैसा देखना है, वहाँ पे क्या क्या देखना है, घास कैसा है, खाना कैसा खाना है। तो वो देखते देखते एक दिन ऐसे ध्यान में आ गया कि अरे ये जो है ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें कुछ नहीं है, इस इज़ ए वन टाइप ऑफ एक्सप्लोरेशन कि मेरे यहाँ मेरे साथ मैं 50 लोगों को लेकर जा रहा हूँ और वहाँ पे उसके लिए कुछ ना कुछ वहाँ का इकोसिस्टम थोड़ी सी का है ना कोलैप्स हो रही है, तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन होने की ज़रूरत है। और हमारे परिवार में ज़्यादा करके सब RSS के विचार के हैं, तो हमारे दैनंदिन शाखा में हम लोग जाते थे कि एक प्रार्थना होती थी कि परम वही भवन में तुम्हें तत्व राष्ट्रम। तो मेरे अगर मुझे राष्ट्र का उद्धार करना है और मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ वापस देना है तो उसमें सबसे अच्छा तरीका होगा खेती करना। और यहाँ पे हम लोग खेती करते हुए हमने ये सोचा था कि हम लोग जो खेती कर रहे हैं तो पंचोन्द्र का उपभोग हमें मिलना चाहिए। सेंसिंग एलिमेंट्स है उनकी ज़रूरत जो है, इसकी तो फूड है, सिर्फ फूड है क्या? तो फूड के साथ अरोमा है, खाते वक्त अरोमा यहाँ पे जाता है और टंग को भी मिलता है। आग की तसली, अलग अलग ग्रीन कलर, अलग अलग फूल, अलग अलग कलर के पंछी, अलग अलग फूल के कलर के बटरफ्लाइज, ये आग की तसली। कान की तसली, पंछियों का आवाज़, हवा का आवाज़, बारिश का आवाज़। और नाक की तसली, सुगंध। तो सब जगह पे अलग अलग सुगंध के फूल, वो क्लाइंबर होगा नहीं तो बुश होगा नहीं तो ट्री होगा, लगा के रखे कि जो कभी ना कभी पूरे साल भर किसी न किसी कोने से हमें सुगंध आएगी। तो पूरी सेंसिंग एलिमेंट की सेटिस्फेक्शन खेती में होना चाहिए। और जो हमें मैं कुदरत देख रहा हूँ, प्रकृति देख रहा हूँ, वो क्या मैं बना पाऊँगा? तो काफ़ी पढ़ता था, आज भी पढ़ता हूँ थोड़े, तो उसमें से विचार ये थे कि नेचर में खेती है, नेचर में जीवन है,
तो उसके साथ मैं रह पाऊंगा क्या? और घर में हमारे सब वही विचार के थे, तो हमारे एक जगह थी पुणे के नज़दीक फैमिली की, तो हमने वो बेचने का सोच लिया कि क्या करेंगे, वहाँ छोटी सी जगह है, हम तो जा नहीं पाएंगे। तो उसमें हम 30 लोग उसके हिस्सेदार थे, तो हमें जो उसमें से जो जगह पैसे मिले उसमें से हमने घर वालों ने, पिताजी ने और भाई ने सोचा कि हम एक दूसरी जगह ले लेंगे, जिससे हमारे पुरखों से हमें कुछ जगह मिली, हम हमारे आगे वंशजों के लिए रख देंगे और उसमें हम एक क्रिएट करने का प्रयास करेंगे। तो वो बजट और तभी दिमाग में पूरा खेती तो था नहीं, तो जिंदे जीना रहने के लिए नौकरी करने की आवश्यकता है, पैसा लगेगा, तो नौकरी और खेती दोनों एक साथ करेंगे और कुछ सालों के बाद नौकरी छोड़ देंगे और पूरे खेती के ऊपर निर्भर रहेंगे। और ये जो आम का बगीचा है, इसमें अभी एक केवड़े का झाड़ है जिसमें 50 किस्म के आम हैं, जो आचार से लेके जूस तक और मई से लेके जुलाई एंड तक आम मिलते रहते, तो पूरा सेटिस्फेक्शन हो जाता है आम खाने का, दिल भर जाता है। और आम के नीचे हमारी 4 फसलें होती है, एक जिमीकंद होता है, एक हल्दी होती है, एक पाइनएप्पल होता है, और ये साल हमने उसके ऊपर सबके ऊपर ब्लैक पेपर लगाई है, तो और 3 साल में आम और आम के साथ 4 फसलें, तो 5 फसलें हो जाएंगी। तो उसमें से 2 जमीन के नीचे की है, अगर इन्वायरमेंट चेंजेस से अगर सर्दी आई नहीं तो आम को फ्लावरिंग नहीं आया, फिर भी हल्दी और जिमीकंद से हमें कुछ मिला होगा। हाँ, फिर ढूंढते ढूंढते ये जगह मिल गई जहाँ हम अभी है, वहाँ पे पूरी बैरन लैंड थी, तो एक भी झाड़ नहीं था और हमारे गांव कोई रास्ता नहीं था। तो आप आते वक्त आपको 2 नाले के ब्रिज से पर आना पड़ा, तो बरसात में वो तैर के आना पड़ता था, और कोई काम को ले आएगा खेती में, औरत लोग होंगे तो उसको कंधे पे लेके वो बाजू लेके जाना पड़ेगा। तो हमारे पूरे गांव का सिस्टम ही ऐसा था कि बच्चों को स्कूल में जाना है तो कोई भी वहाँ पे रहेगा जो मर्द, वो सब बच्चों को कंधे पे उठाएगा, वो कॉर्नर पे छोड़ देगा, बच्चे स्कूल को जाते थे, स्कूल ख़त्म होकर आते थे तो वहाँ पे कोई रहेगा, वो कंधे पे उठा इस बाजू लाता था। तो बच्चों को और औरत लोगों को कंधे पे लेके जाना, नाला क्रॉस करना, वेरी कॉमन थिंग, वेरी कॉमन। और यहाँ से नज़दीक की जो रोड थी वो 2 किलोमीटर थी, तो 2 किलोमीटर का आना जाना काफ़ी होता ही था। तो हमने जगह ली, तो वहाँ पे पूरी की पूरी बंजर ज़मीन थी, और जिसने जगह बेची थी उसने उसके पहले उसकी टॉप सॉइल निकाल के ब्रिक्स बनाई थी घर बनाने के लिए, तो ज़मीन की उर्वरकता काफ़ी कम थी और खेती का तजुर्बा बिल्कुल थोड़ा सा था। मेरे चाचा की खेती थी सिंहगढ़ में, वहाँ हम लोग जाते थे काम करने को, मज़ा लेने को, सीखने को थोड़ा सा। तो फिर पहले साल हमने मार्च में ज़मीन ली 90 में, और बारिश में हमने यहाँ पे धान लगाने का प्रयास किया, तो पूरे 1.5 एकड़ में धान लगाया था। करजत 184 करके वैरायटी है, वो 100 दिन की वैरायटी, फाइन एकदम, आज खाने में बहुत अच्छी, तो हमने लगाई। तो लगाने के बाद जब काटने को आई तभी ऐसा ही मौसम था, और हमने आज काट के रख दी और शाम को बारिश शुरू हो गई, दूसरा दिन बारिश है, फिर जब भी थोड़ी सी बारिश रुक गई हमने वो उल्टा करके रख दिया कि नहीं तो उसको स्प्राउट आ जाता है। ऐसे 3 दिन बारिश गिरी, बारिश रुकी ही नहीं, और हमारे बाजू में एक उनकी झोपड़ी थी, फिर हमने वो गीली चावली ठोक के उसका दाना अलग किया, और इतना 3 महीना मेहनत करने के बाद उससे हमें 70 किलो चावल मिला, यानी 1.5 एकड़ में 70 किलो, इसका मतलब हो गया 60 गुंठा में 70 किलो, यानी 11 किलो
पर गुंठा ईल्ड आया उसका, और वो भी बारिश में भीगने की वजह से काला था, तो खाने में मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर क्या करेंगे कि अपने को इसको खाद देने की ज़रूरत है, तो खाद कहाँ से लाएंगे? तो फिर हमारे गांव के सबकी खेती ही थी, और इतना सिविलाइजेशन नहीं हुआ तो जगह कोई बेच नहीं रहा था, तो सबके घर में गाय बैल होते थे। हमारे 20-25 घरों में गांव के 25 हल थे, और वो पूरे ये चावल के मौसम में सब लोग खेत में, बीवी बच्चे सब खेत में काम करते थे, तो उनके पास से गोबर मिलता था, और उनको पैसा कम था तभी, और मैं तो नौकरी कर रहा था, तो कुछ छोटे मोटे पैसे लगेंगे तो मेरे पास आते थे, तो दादा पैसा भेजे, मैं मुझे मालूम थी इनके कंडीशन क्या है। और तभी डेली वेज था 20 रुपया, यानी 20 रुपया बहुत बड़ा था, एक दिन काम करेगा तो 20 रुपया मिलता था, तो कितनी ज़रूरत पड़ती थी 20-25 रुपये की, मैं दे देता था, और उनको बोलता था मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे गोबर चाहिए, और वो गोबर बारिश के पहले चाहिए। वो तो और खुश हो जाते थे कि यार किधर पैसा देना है वापस, गोबर तो अपने घर में है। तो उस वक्त जो चालू हुआ तो पहले साल में 20 बैलगाड़ी होते होते 100 बैलगाड़ी तक वो गोबर खाद मिलना चालू हो गया। साथ में मेरे एक गुरुजी है यहाँ के, पहले से उनका तजुर्बा था खेती का, उन्होंने मुझे कहा कि देखो अभी तुमको खेती करनी है तो पहला उसके साथ दूध का भी करो, एक भैंस रख दो तो आपको गोबर मिलेगा और दूध भी बेचा जाएगा, आपके दूध की भी ज़रूरत हो जाएगी, शहर में तो आप जाते हो वापस घर में तो जाते हो दूध लेके जाना, तो हमने एक भैंस रखी। और भैंस का जो उन्होंने कहा ये देखो पैसा आएगा तो पैसा ख़त्म हो जाएगा, तो भैंस के दूध का डेली रिकरिंग करना है, तो उसमें से 2 लीटर का पैसा डेली रिकरिंग में जाता था। और एक साल में जब पैसा डेली रिकरिंग में हुआ उसके हमने दूसरी भैंस ली, ऐसे करते करते हमारे पास 5 भैंसें और 2 गाय हो गए, 8 साल हमने दूध का ये किया। तभी धीरे धीरे खेती के बारे में सोचते सोचते यहाँ पे ज़मीन अच्छी कैसे हो जाए, कौन से तरीके हैं, तो उस वक्त पारेकर जी ने शुरू किया था, उसके पहले मोहन शंकर देशपांडे करके महाराष्ट्र में थे, उनके एक ऋषि कृषि करके एक किताब था, उसमें वो बैनियन ट्री के नीचे की मिट्टी और गोबर, गाय का गोबर और मध और घी, इसके मिलाप से ज़मीन के में अच्छे माइक्रोफ्लोरा बन जाता है, तो हमने वो किया था, अच्छा था रिजल्ट। और तभी हमने कि 1.5 एकड़ में क्या कर पाएंगे, तो 1.5 एकड़ में नारियल लगा देंगे, तो नारियल के साथ नारियल के कई दोस्त इसमें मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो उस वक्त मैंने जो किताबें पढ़ी थी उसमें एक दिलीप कुलकर्णी करके एक महाराष्ट्र में पर्यावरण के ऊपर लिखने वाले हैं, तो उनकी किताब थी निसर्ग आय, तो उसका मेरे ऊपर काफ़ी प्रभाव था, आज भी है। तो उसमें से मैंने ये जाना था कि मुझे ये नहीं करना है, केमिकल फार्मिंग नहीं करनी है, फिर जैविक क्या होती है। तभी महाराष्ट्र में एक मशहूर फार्मर थे जिनका नाम था भास्कर हिराजी सावे, जिसको सावे गुरु जी कहते, उन्होंने हिंदुस्तान में पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रयास 1957 में चालू किया। तो उनके यहाँ पे हम जाके देखते थे, नज़दीक था, यानी आधे दिन के सफ़र करोगे तो बोल्डी में गुजरात के बॉर्डर पे। फिर उनका भी असर काफ़ी था कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, फिर उनके पास के जाके सीख के आने के बाद एक मॉडल बनाया, कि उनका मॉडल था 0 टिलिंग और रो में झाड़ लगाना है और पानी झाड़ से लंबा लंबा लेके जाना है, और एक समय ऐसा आएगा सिर्फ बीच में पानी रहेगा और उसके वो पानी पे रूट्स वहाँ के पानी खा जाएंगे, तो कम से कम मेहनत लगेगी, कम से कम पानी लगेगा, क्योंकि उस वक्त पाइपलाइन नहीं आई थी तो फ्लड वाटर ही के लिए आ जाता था।
तो फिर हमने हमने शुरू किए तभी तब तक पाइप आ गई थी, तो हमने सोचा कि भाई उनके थोड़ा सा अलग, पहला कॉपी किया तो कॉपी किया तो फेल हो गए, और नारियल और एक साल यह है हमने पहले साल में एक मूंगफली लगाई, बहुत बढ़िया मूंगफली आई, एक छोटे प्लॉट में 5 गुंठे में 3 गुनी भर गई, लालच बढ़ गई, तो बोले कि नहीं हम पूरे खेत में मूंगफली लगाएंगे।